घरेलू उपाय में आपका स्वागत है और आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे आंवला के बारे में। आंवला खाकर आप किस तरीके से अपने अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने दिमाग को तेज बना सकते हैं, इसी के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखते रहें। दिमागी शक्ति को मजबूत करने के लिए आंवला एक अतुल्य फल है जो कई शारीरिक और मानसिक विकारों को ठीक करने में मदद करता है। अगर आप सोच रहे हैं कि मेमोरी कैसे बढ़ाएं, ऐसे बच्चे जो जल्दी पढ़कर चीज़ों को भूल जाते हैं या याद नहीं रख पाते हैं, उनके लिए आंवला किसी वरदान से कम नहीं होता है। आंवला एक मौसमी फल है। इसे आप फल या रस के द्वारा भी सेवन कर सकते हैं। अगर आपको लंबे समय तक इसका प्रयोग करना है तो आंवले का मुरब्बा या आंवले की कैंडी का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ हम आपको आंवला के 5 फायदे बताने जा रहे हैं। ये कौन कौन से फायदे हैं इसे आप ध्यान से सुने। नियमित रूप से आंवला रस पीने से शरीर सभी प्रकार के विषैले तत्वों से मुक्त होता है। लाल रक्त कोशिकाएं बढ़ती हैं और नेत्र ज्योति बढ़ती है। यह कोलेस्ट्रॉल के बढ़े हुए स्तर को कम करता है और रक्तचाप सामान्य रखता है। आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। 100 ग्राम आंवला में 445 मिलीग्राम विटामिन सी पाया जाता है। आंवले में पाया जाने वाला विटामिन सी हमारे भोज्य पदार्थ में पाए जाने वाले लौह तत्व को हीमोग्लोबिन में मिलाने में कार्य करता है। अतः हीमोग्लोबिन के स्तर को सुधारने के लिए आंवले का सेवन उपयुक्त है। आंवला एक अच्छी एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है जो फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करके बढ़ती हुई उम्र के असर को के लक्षणों को कम करता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आंवले के बारे में। आशा करते हैं कि आंवले का आप भी सेवन करेंगे और इन आंवले का इन्हीं सभी तरीकों से आप फ़ायदा उठाएंगे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो या फिर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप जैसी जगहों पर शेयर करना ना भूलें। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव चल रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इसे तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी वाली वीडियो लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।